क्या नाम है आपका? 80 साल की हाँ। अच्छा, इतना जुनून है कि जो हरिद्वार से हरिद्वार तक आउट लिया ही मैं। अच्छा, पुरगम मत आएंगी भी। इतनी क्या चीज है जो आपको भगवान से लगाव है? भगवान तो लगा है बेटा, कती ना पाया मदर दे, ना मेरे हाथा मदर दे, ना मेरी गिट्टी मदर दे, मैं कती भाजी आऊं तू भाजी। क्या क्या मनोकामनाएं मांगी है भोलेनाथ से? भोले भगवान तो क्या मांगी है, मेरी जिंदगी तीन लोक में पोता दे बस बस। मैं मोदी जी के बारे में कहना चाहूँगा, और मोदी जी और योगी जी का सहयोग इतना अच्छा रहा इस साल के हमारी कांवड़ यात्रा में। हम 2 साल से कांवड़ नहीं ला रहे थे, हमारा 3री साल हमने कांवड़ हिम्मत करके ने सोचा ही कि हमें जाना ही जाना है कुछ भी हो। फिर भी हमारे योगी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी, हमें नहर वाले रास्ते पे कुछ नहीं मिलता था, खाना पानी वगैरह कुछ नहीं था, पर इस साल उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी, हर 2-4 किलोमीटर पे सीवर लगाए, कैंप लगाए, उससे बहुत बंदों को फ़ायदा मिला। पहले हमारे को 2 दिन तक उस रास्ते पे ना खाना ना पानी और कंटिन्यू दिन रात चलना पड़ता था, तब दिल्ली लगते थे। और इसी मारे बंदे आधे हाईवे पे आते थे और आधे हाईवे की जगह एक्सीडेंट में हो रहे हैं, कोई किसी हो रहा है। और नहर वाला रास्ता ऐसा है, उस पर सुविधा कर दी जाए तो वो और बढ़िया रास्ता हम लोगों को। इन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बोलबम के नारे लगाए जा रहे हैं बड़ी ही जोरों शोरों से। भक्ति आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इन लोगों के अंदर देखने को मिल रही है। खैर, देखिए, महिला हो, बुजुर्ग हो, लड़के। हितेश। हितेश क्या उम्र है? 16। 16 साल। पहली बार में ही पद यात्रा पे आए हो या पहले भी आया? पहले भी आया जी। पहले इतना क्या अच्छा लगा कि दोबारा आ गए जी? फैन ही बोलेगा हम, भगत बोलेगा हम। किस प्रकार से? वैसे मन में भावना है भोले की। क्या जानते क्या है भोले बाबा के बारे में आप? भोले बाबा बस अपनों ही वही जाना जी हम तो बस। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम आ रहे हैं हरिद्वार से। पैदल यात्रा है या फिर गाड़ी? पैदल यात्रा। काल विश्राम कर रहे हो? अभी विश्राम कर रहा थोड़ी देर के लिए। ये जो जगह जगह पे ये कैंप बनाए गए हैं, इससे कुछ सुविधाएं मिली है आप लोगों को? बहुत कुछ इसमें खाने की सुविधा है और दवाइयों की सुविधा मिली है, खाने की सुविधा मिली है, सोने व्यवस्था की सब कुछ सुविधा मिली है। कब से पद यात्रा शुरू करते हो? 15 तारीख से। मैं हरिद्वार से। हरिद्वार से आ रहे हैं? हरिद्वार। यात्रा कहाँ तक जाएगी? ये तो यही तक जाएगी, दिल्ली तक। शिवम जी, ये इतने बड़े शिव के भक्त कैसे बने? मैम, बाबा की दुआ है, महाकाल की, महाकाल बाबा के दीवाने हम, भोलेनाथ हमारे पापा हैं, बुलाते हैं हर साल, 8 साल से कांवड़ ला रहे हैं, कलश उठाते हैं, कलश लेके आते हैं। फिर उस कलश का क्या करते हैं, मतलब क्या होता है, पूरा बताइए। ऐसा है, हमारे दिल से जो आवाज़ निकलती है, पहले हम हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार से नीलकंठ जाते हैं जल लेके, उसको चढ़ा के हम वापसी आते हैं, आके हम जल उठा के अपने मंदिर में ले जाते हैं, जो हमारा स्थान है, हम उसमें स्थान में अपने शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं उसको। हमारा मकसद ये होता है, हमारे को उस जल को सेफ ले जाना होता है और सेफ ले जाके चढ़ाना होता है। हर चीज़ से सामना करते हैं हम, बारिश से, छालों से, हर चीज़ से करके अपना जैसे भी पहुँचते हैं हम लेके। क्या चीज़ है जो इतनी एकता बनी हुई है, इतनी श्रद्धा बनी हुई है आपके मन में? भगवान की दुआ से, भगवान की दुआ से, कृपा की दुआ से। भगवान जो हमारा साथ देगा, हम जब तक आएंगे, भगवान जब तक बुलाएगा जब तक ही आएंगे हम। आएंगे ऐसे? कितने सालों से आ रहे हैं? फर्स्ट टाइम लाया हूँ इस लड़के को मैं, फर्स्ट टाइम में भी लड़का साथ के साथ चला है, ये नहीं कहा 2 मिनट पीछे रह जाए, आगे रह जाए, बराबर चला है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि बाइक वाले जो भोले हैं ना, उनका बिल्कुल आना बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि उनके चक्कर में हम लोग बदनाम होते हैं।